मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत सुरुवात करणार आहोत एका महत्वाच्या बातमीनं मध्य प्रदेशातील रायसन इथल्या शेतकरी संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतलाय विरोधकांवर हल्ला करत असताना यावेळी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय कृषी कायद्याचं जोरदार समर्थन केलंय केंद्रीय कृषी कायदे हे एका रात्रीत आलेले कायदे नाहीत तर गेल्या वीस ते बावीस वर्षांमध्ये आलेल्या प्रत्येक सरकारनं त्यावर व्यापक चर्चा केलेली आहे असं यावेळी बोलत असताना पंतप्रधानांनी म्हटलंय गेल्या काही दिवसांपासून देशात शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांवर बरीच चर्चा झालेली असल्याचंही मोदींनी म्हटलंय गेल्या वीस ते बावीस वर्षांपासून प्रत्येक सरकारनं यावर व्यापक चर्चा केली आहे जवळजवळ सर्वच संघटनांनी या कायद्यांवर चर्चा केल्याचंही ते म्हणाले विरोधकांनी आपल्या राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा वापर केल्याची जहरी टीकाही मोदींनी केली आहे तर एम आणि एपीएमसी फार्मिंग अॅग्रीमेंटवर त्यांनी यावेळी भाष्य केलं वे नरेंद्र मोदी का कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी वही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई उन्हीं मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या वर्ताव किया इसका एक और उदाहरण है दलहन की खेती 2014 के समय को याद कीजिए किस प्रकार देश में दालों का संकट था देश में मचे हारकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे हालत ये थी कि 2014 से पहले के पांच साल उनके पांच साल उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी डेढ़ लाख मैट्रिक टन आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों सिर्फ डेढ़ लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए हमने किसानों को भी दाल की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया भाइयों और बहनों हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मैट्रिक टन मैं दोबारा बोलता हूं 112 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी सोचिए डेढ़ लाख उनके जमाने में वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के हमने कानून में क्या किया है हमने कानून में किसानों को आजादी दी है नया विकल्प दिया है पिछले सत्तर साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में भी जाकर के बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया